स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन आज हम कैशे मैपिंग के बारे में स्टडी करेंगे देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में आपने कैशे मेमोरी के बारे में स्टडी किया है कैशे मेमोरी जो होती है वो हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है अब कैशे मैपिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है देखिए सीपीयू जो होता है और जो मेन मेमोरी होती है उनके बीच में हमारी कैशे मेमोरी पुट है वो एक इंटरमीडिएट का वर्क करती है तो किस तरीके से जो आपका डाटा है जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगी कैशे मेमोरी से मेन मेमोरी में या फिर मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में तो यहाँ पर हम मैपिंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को वी कैन से डैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी और फ्रॉम कैश मेमोरी टू मेन मेमोरी इज़ नोन एज कैश मैपिंग नाउ स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जो हमारी कैशे मेमोरी है वो फास्टेस्ट मेमोरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजली एक्सेसिबल है फास्टेस्ट एक्सेसिबल है बार बार इसको एक्सेस करता है सी पी आपको पता है कि एलोकेशन किया जाता है आपको पता है असाइनमेंट किया जाता है नाओ ये असाइनमेंट और एलोकेशन जो भी होता है वो मैपिंग की हेल्प से होता है वी कैन से डैट द एलोकेशन एंड असाइनमेंट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैपिंग नाउ स्टूडेंट्स तो हम मैपिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी इज़ कॉल्ड मैपिंग यानी कि डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी पे वो हमारा मैपिंग कहलाता है मैपिंग जो है वो आपकी थ्री टाइप्स की है हमारी पहली होती है डायरेक्ट मैपिंग दूसरी होती है एसोसिएटिव मैपिंग और तीसरी होती है हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग देखिए अब यहाँ पे कैशे के बहुत सारे लेबल्स होते हैं उन कैशे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक हमारी प्राइमरी कैशे होती है दूसरी हमारी सेकेंडरी कैशे होती है तो वी कैन से टाइप ऑफ कैशे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास में प्राइमरी कैशे है हमारे पास में सेकेंडरी कैशे है नाउ स्टूडेंट जो हमारी प्राइमरी कैशे है वो हमेशा प्रोसेसर पर लोकेट होती है यानी इनसाइड द सी पी यू ये हमारी कैशे को इम्प्लीमेंट किया गया है ये प्राइमरी कैशे इज़ ऑलवेज़ लोकेटेड ऑन द प्रोसेसर चिप दिस कैशे इज़ स्मॉल ये जो कैशे होती है बहुत ही स्मॉल होती है और इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपेरेबल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको पहले बताया जा चुका है कि जो मेमोरी होती है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होती है और ये जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं इन सबको हम सेल्स कहते हैं और आप इसको बिट्स नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में इनको लोकेट किया जाता है एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जो हमारी एल वन है वो क्या है इनसाइड द प्रोसेसर लोकेट की जाती है इम्प्लीमेंट की जाती है अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कैसे की देखिए जो हमारी सेकेंडरी कैशे होती है वो प्राइमरी कैशे और रेस्ट ऑफ द मेमोरी के बीच में प्लेस की जाती है यानी एल वन और मेन मेमोरी जो आएगी उसके बीच में प्लेस की जाएगी इसको हम एल टू कैशे भी कहते हैं तो प्राइमरी कैशे इनसाइड द सीपीयू इंप्लीमेंटेशन होता है और सेकेंडरी कैशे आप हमेशा सीपीयू के बाहर होती है मेन मेमोरी और जो हमारी प्राइमरी कैशे होती है उसके बीच में इसको लोकेट किया जाता है नाउ स्टूडेंट्स अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कैश मेमोरी के देखिए कैशे मेमोरी हमारी फ़ास्टेस्ट मेमोरी है जैसा कि मैंने आपको बताया मैपिंग करने में इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हम कह सकते हैं अगर आपको रीजनेबल नंबर ऑफ़ ब्लॉक स्टोर करने हैं गिवन नंबर ऑफ़ टाइम में तो आप वहाँ पे कैशे मेमोरी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ़ास्टेस्ट मेमोरी है दूसरा हम कह सकते हैं मेन मेमोरी और जो ब्लॉक्स ऑफ मेन मेमोरीज होते हैं उनके बीच में करस्पोंडेंस कैसे हो इस करस्पोंडेंस को हम कहते हैं मैपिंग फंक्शन और इसको स्पेसिफाई करने के लिए भी कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है नाउ तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया तीन टाइप की मैपिंग है डायरेक्ट मैपिंग है एसोसिएटिव मैपिंग है और सेट एसोसिएटिव मैपिंग है तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मैपिंग की बात करेंगे डायरेक्ट मैपिंग में जो हमारी मेन मेमोरी होती है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक हमारे पास में टैग होता है दूसरा हमारे पास में वर्ड ऑफ सेट होता है यानी कहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट होगा नाउ इसके बाद कैशे मेमोरी है कैशे मेमोरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक मेरे पास में टैग है एक मारे, मेरे पास में लाइन ऑफसेट है और एक मेरे पास में वर्ड ऑफसेट है वर्ड ऑफसेट डाटा को दिखाता है और लाइन ऑफसेट आपको ये दिखाता है कि कहाँ से कहाँ तक रजिस्टर्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई किया गया है नाउ इनसाइड <coughs> आप कह सकते हैं जो मेन मेमोरी होती है देखिए जो आपकी पेजेस में डिवाइड होती है फ्रेम्स में डिवाइड होती है स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई वीडियो मेकिंग करते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है थर्टी एफ पी एस इट मीनस थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी आप वीडियो के अनुसार जो डाटा मैनेज हो रहा है वो फ्रेम्स के फॉर्म में मैनेज हो रहा है फ्रेम्स क्या होते हैं छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं इसी तरीके से जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पर कंट्रोल लॉजिक है तो ये जो जितना भी डाटा है इसको डिवाइड कर दिया गया है सेट्स की फॉर्म में यही सेट्स आपके पेजेस कहलाते हैं सेट जीरो सेट वन सेट एन माइनस वन नाउ स्टूडेंट्स नाउ जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है किस तरीके से मैपिंग की जाए जो हमारे पास में मेन मेमोरी है और कैशे मेमोरी के बीच में डाटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए वो हमारी डायरेक्ट मैपिंग कहलाती है यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स होते हैं मेन मेमोरी को जितने ब्लॉक्स आपके मेन मेमोरी में होंगे उनको कैशे लाइन से मैप किया जाता है सिंपल सी अगर हम बात करें तो जितने मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे उतने ही आपके आपको कैसे मेमोरी में भी ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे नाउ स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं इन डायरेक्ट मैपिंग ईच ब्लॉक इज असाइंड टू ए स्पेसिफिक लाइन इन द कैशे इफ ए लाइन इज प्रीवियसली टेकन बाय ए मेमोरी ब्लॉक वेन ए न्यू ब्लॉक नीड टू बी लोडेड द लोड द ओल्ड ब्लॉक इज ट्रेस्ट ठीक है सी बात ये है कि जितने मेन मेमोरी में ब्लॉक हैं उतने ही ब्लॉक आपको कैसे लाइन में रखने पड़ेंगे और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में कोई मेमोरी ब्लॉक है जो प्रीवियसली एलोकेट हो चुका है तो यहाँ पर क्या होगा हमें एक नया ब्लॉक लोड करना पड़ेगा और जो आपका प्रीवियस ब्लॉक होगा उसको ट्रेस्ट कर दिया जाएगा इट मीन्स उसको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा फिनिश कर दिया जाएगा नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको प्रीवियसली बताया गया जो डायग्राम था उसमें आपको बताया गया था कि जो एड्रेस स्पेस होता है मीन्स कहाँ पर आपके आपको आके डाटा को एलोकेट करना है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक इंडेक्स फील्ड होती है दूसरी मेरे पास में टैग फील्ड होती है टैग फील्ड हमेशा हमेशा कैसे के इनसाइड होती है और जो इंडेक्स फील्ड होती है वो हमेशा मेन मेमोरी में होती है क्योंकि जो मेरा डाटा है वो कहाँ है मेन मेमोरी में है और उसको हमने पेजेस में डिवाइड किया हुआ है बट टैग्स इज जस्ट आपको ये मेंशन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की लाइन आपको एलोकेट की गई है नाउ स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैपिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हिट रेशो के नाउ हिट रेशो क्या होता है हिट रेशो की हेल्प से आप कैसे मेमोरी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो डायरेक्ट मैपिंग में हिट रेशो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट मैपिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हिट रेशो क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा हिट रेशो का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ़ हिट्स अपॉन टोटल एक्सेसिस यानी कितनी बार सी ने कैशे को एक्सेस किया और कितनी बार उसको आउटपुट मिला नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपनी एसोसिएटिव मैपिंग की देखिए डायरेक्ट मैपिंग में एक डिसएडवांटेज है डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जितने मेमोरी ब्लॉक्स हैं मेन मेमोरी में उतने ही ब्लॉक्स आपको कैशे मेमोरी में एलोकेट करने होंगे सपोज़ कैशे मेमोरी में इतने ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग नहीं हो पाएगी नाउ अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव मैपिंग की देखिए इन दिस टाइप ऑफ मैपिंग द एसोसिएटिव मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर कंटेंट एंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड यहाँ पे हम एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी वर्ड का नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेमोरी का कोई भी ब्लॉक किसी भी कैश लाइन को हम एलोकेट कर सकते हैं एनी ब्लॉक कैन गो इन टू एनी लाइन ऑफ द कैशे इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास में जो वर्ड आई डी होगी आप इसको बिट्स भी कह सकते हैं उसका यूज़ किया जाता है वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लॉक में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नाउ जो टैग होते हैं बट द टैग बिकम्स ऑल ऑफ द रिमेनिंग बिट्स अब जो टैग हमारे पास में बचेंगे जितनी मेमोरी बिट्स बनेंगी वो अब टैग को रिप्रेजेंट करेंगी नाउ दिस इनेबल्स द प्लेसमेंट ऑफ़ एनी वर्ड एट एनी प्लेस इन द कैश मेमोरी इससे हमें फ़ायदा क्या मिला कि किसी भी वर्ड को किसी भी कैश मेमोरी में किसी भी कैश मेमोरी ब्लॉक में सेव किया जा सकता है इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कंटीजुअस एलोकेशन नहीं हो रहा है रैंडम एलोकेशन हो रहा है इट मीन्स अगर कहीं पे ब्लॉक फ्री है तो वहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा ये जो हमारी मैपिंग होती है इसको फास्टेस्ट कहा जाता है दूसरा ये फ्लेक्सिबल है जैसे कि आपको बताया अगर मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है कैसे में तो उसको हम एलोकेट कर देंगे नाउ स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव मैपिंग में ब्लॉक डायग्राम की यहाँ पे मेन मेमोरी होती है यहाँ पे हमने क्या किया ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया ये पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा क्या कहलाएगा सेट जीरो कहलाएगा लेकिन प्रीवियस क्या था कि जो मेन मेमोरी उसको हम छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे मेरे पास में पूरा का पूरा एक सेट है जो ब्लॉक अवेलेबल होगा वहाँ पर मैपिंग कर दी जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाएगा मेन मेमोरी के डाटा को नाउ स्टूडेंट्स कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे डायरेक्ट मैपिंग के और एसोसिएटिव मैपिंग के वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है उसने डायरेक्ट मैपिंग के डिसएडवांटेजेस को भी और एसोसिएटिव मैपिंग के डिसएडवांटेज को भी रिमूव किया तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप टू ए फिक्स लोकेशन इन द कैशे डायरेक्ट मैपिंग में मेन मेमोरी में जितने ब्लॉक होते हैं उतने ही ब्लॉक हमको कैशे मेमोरी में क्रिएट करने पड़ते हैं और जहाँ पे फिक्स लोकेशंस पे मैपिंग होती है नाउ सपोज मेरे पास में दो ब्लॉक हैं और उनको आपको सेम लोकेशन पर लोकेट करना है प्लेस करना है कैशे में तो यहाँ पर आपको स्वैप इन और स्वैप आउट करना पड़ेगा इट मींस एक बार उस ब्लॉक को आप क्या करेंगे डाटा को इन करेंगे उसके अंदर दोबारा इस डाटा को क्या कर देंगे आउट कर देंगे इट मींस यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म होगी और स्वैपिंग जो होती है वो टाइम ज़्यादा लेती है और इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग नाउ स्टूडेंट्स ये क्या है फ्लेक्सिबल है यानी कहीं सा भी ब्लॉक जो है मेमोरी का कैशे मेमोरी में लोकेट कर दिया जाता है यहाँ पर हमें एड्रेस एस्ट्रेस को फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम लगता है दूसरा एनी मैनो एनी मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी मैप्ड इन टू ईच कैशे स्लॉट यानी किसी भी क्लास स्लॉट में मेन मेमोरी ब्लॉक को लोकेट कर दिया जाता है तो स्टूडेंट्स इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल है जब फ्लेक्सिबल है तो वहाँ वहाँ पर मुझे एड्रेस स्पेस फाइंड आउट करने में यानी कि इंडेक्स फ़ाइंड आउट करने में और कैशे मेमोरी का टैग फाइंड आउट करने में काफ़ी समय लगेगा तो स्टूडेंट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन थैंक यू वेरी मच